और आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डीसी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। चलिए आपको लाइव दिखाते हैं। अरे हम अमेरिका पहुंच गए। हेलो हेलो हेलो। अरे यार, इतनी बारिश में हमसे मिलने कोई आया ही नहीं। अरे कोई बात नहीं। ओ मेरा कुर्ता छन छबीला मैं तो घूमूंगा, ओ मेरा पप्पू है रंगीला मैं तो झूमूंगा। हेलो, नमस्ते 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 बेटिया, तुम लोग सब इंडिया से हो क्या? जी मोदी जी। अरे नमस्ते। अच्छा अच्छा अच्छा, चले हमें माफ़ कर दो, हम तुमको इंडिया में नौकरियां नहीं दे सके, माफ़ कर दो हमको। अरे भैया, हमें यहाँ से ले चलो कहीं, ये लोग हमको यहीं ना पीटने लगे। ओ मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। ओ यार, ताली तो बजा दो कम से कम। खैर छोड़ो। ओ भाई, सबका दिल से वेरी वेरी थैंक यू, ऑस्ट्रेलिया से जो वाइन आई है और इंडिया से जो मोती चूर के लड्डू आए हैं भाई, वाह, खाकर मज़ा ही आ गया। और जापान बाबू, तुमने जो मोमोज भेजे थे, मतलब उसके अंदर केचुए भर दिए यार, हम शाकाहारी हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट करवाओगे क्या? हमारे यहाँ मोमोज में तो पत्ता गोभी भरी जाती है, बड़ा स्वाद होता है। ओले, हटा दिया मास्क, अब खींच फोटो। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ, सारी पब्लिक यही है। हाँ हाँ, हेलो 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 हेलो। दे ताली तेरी मोच काली। मोदी जी, दे ताली तेरी मोच काली कर रहे थे, लेकिन मैं उनको पीछे से चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मोदी जी आपका नाड़ा लटक रहा है। फिर जब उनका पैजामा खुला तब पता चला कि वो अंदर कच्छा नहीं पहने थे। भरी महफिल में मोदी जी का पैजामा खुल गया। वो छाता सीधा पकड़ यार। सबके सामने मोदी जी का पैजामा खुल गया, ये बहुत शर्म की बात थी। गलती उन्हीं की थी क्योंकि उन्होंने अंदर कच्छा भी नहीं पहना था और देखने वाले तो सब एक ही जगह देख रहे थे। अब भैया, मैं तो यही कहूँगा कि कच्छा सबको पहनना चाहिए, फिर चाहे रूपा का पहन लो या फिर लक्स का पहन लो। और अगर पैसे नहीं हैं तो भैया 20-30 रुपए में बढ़िया कच्छा मिल जाता है, लास्टिक भना बन होती है, साल भर चलती है। और भैया, हमने तो 2 साल पहले 25 रुपए का ठेले पर से ख़रीदा था, अभी तक फर्स्ट क्लास चल रहा है, लास्टिक भी ढीली नहीं हुई है। यहाँ पर इतनी सारी पब्लिक है, अगर आप अकेली होती तो ज़रूर खोल के दिखाते। और सबके सामने जो मोदी जी की बेइज्जती हुई है, हम अपने रिपोर्टर से इसके बारे में बात करते हैं। जी अंकित बाबू, बताइए, शुरुआत से बताइए कि आखिर क्या हुआ था, आखिर इतना बड़ा हादसा सबके सामने कैसे हो गया और इसमें किसकी गलती थी और वहाँ पर कितने लोग मौजूद थे जिन्होंने उड़ता पंजाब अपनी आंखों से देखा, पूरा तफसील से बताइए। जी मैडम जी, बात ये है कि सुबह के 8:30 बज चुके थे और जब मोदी जी एरोप्लेन से गाना गाते हुए झूम झूम के नीचे उतर रहे थे, इसी बीच उनके पैजामे का नाड़ा धीरे धीरे खुल रहा था और जब तक वो जनता तक पहुंचे तब तक उनका नाड़ा पूरी तरह से खुल चुका था। और ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें गलती किसी की नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने खुद ही अपना पैर उस नाड़े पर रखा जिसकी वजह से उनका सबके सामने पैजामा खुल गया। और आप पूछ रही थी कि वहाँ पर कितने लोग मौजूद थे, तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर 2,500 लोग मौजूद थे जिन्होंने लाइव अपनी आंखों से मोदी जी का उड़ता पंजाब देखा। और इस मनहूस घटना के बाद शायद मोदी जी अब दोबारा कभी अमेरिका के लोगों से आंख नहीं मिला पाए। जी बिल्कुल, माफ़ कीजिए मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, लेकिन मुझे बहुत जोर की टट्टी आई है। आज की खबरें यहीं पर ख़त्म करते हैं।